Sairam, everyone. Sairam, ma'am. Sairam, ma'am. Sairam, how many have joined? 17. So including me, 17. यानी सिर्फ 16 ही है अभी फिलहाल तो. Okay. Sairam. Sairam, beta. Sairam, Sairam. Sister Sonia Safir Onashya Ansh Archie. Okay, so have you done all questions of the last exercise? कर लिया सबने सारे क्वेश्चन? जल्दी बोलो बेटा. अच्छा, आपको मैंने 3 टूल्स बताया. आपका 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा सेकंड असेसमेंट, ठीक है? Yes, नवंबर मंथ में पूरा आपका असेसमेंट 2 चलेगा. 1-2 दिन में आपका व्हाट्सएप आ जाएगा हर सब्जेक्ट का. 1 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरा नवंबर मंथ. उसमें से आपको जो एमसीक्यू होगा गूगल फॉर्म में, वो डेट हम आपको फिक्स कर देंगे. पहले से एडवांस में बता दूंगी मैं इस डेट को होगा. तो एमसीक्यू सेम डे हो. क्लास प्रेजेंटेशन आपको पूरा मंथ चलेगा. कभी भी किसी से भी क्लास प्रेजेंटेशन पूछ लेंगे. यस बेटा. मैम ये टाइमिंग चेंज हुई थी ना ऑनलाइन क्लासेस की? यस, 2 नवंबर से स्टार्ट चेंज हो जाएगा. यस. अब आपका शायद 11:30 हो गया. चेक किया आप लोगों ने? यस मैम. यस मैम. 11:30 to 2 o'clock हो जाएगा आपका सबका टाइम, ठीक है? तो क्लास प्रेजेंटेशन आपका पूरा मंथ चलेगा. एमसीक्यू जो सेकंड टूल है वो एक सिंगल डे होगा. एंड थर्ड वन इज वर्कशीट. वर्कशीट भी आपको जैसी क्लास खत्म होगी तो आपको व्हाट्सएप में मैं सेंड कर दूंगी. और 2 आवर्स का टाइम देंगे. विद इन 2 आवर्स या जो भी देखते हैं जिससे आपसे क्वेश्चन होंगे, आपको वर्कशीट जो है सबमिट करना होगा व्हाट्सएप में. क्लियर हो गया? ठीक है. तो वर्कशीट सिंगल डे एंड गूगल फॉर्म सिंगल डे और क्लास प्रेजेंटेशन पूरे मंथ चलेगा. चलो तो आपका जो कितना पार्ट रह गया, रुको पहले चेक कर लूं मैं. सबसे पहले आज 3 थ्योरम्स कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट. ऑप्शनल एक्सरसाइज आपको करने की जरूरत नहीं है. रुको मैं चेक कर लूं कि कराएं कि ना कराएं उस हिसाब से. रुको, ऑप्शनल में आप 3 क्वेश्चंस करना. ध्यान से देखना कौन कौन से करा रही हूं मैं. एक तो क्वेश्चन 1, या करने को तो सारे ही कर सकती हो बट अभी टाइम लगेगा इसमें. फिलहाल तो हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 8. ये 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे अभी. फिर बाद में जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा तो रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे. फिलहाल 2nd, 3rd एंड 8th ये 3 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. क्लियर? बाद में देखेंगे, टाइम मिलेगा. आपका सिलेबस तो वैसे बहुत टाइमली हो जाएगा तो बाद में डिस्कस करेंगे. आज सबसे पहले हम 3 थ्योरम्स कंप्लीट कर लेंगे. हाँ, करना है वो देखो ध्यान से. कौन सी थ्योरम्स थी उसका कॉन्सेप्ट एक बार देख लो. सेम वही जो भी बता रही थी, 2-3 दिन से डिस्कस हो रहा है. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल. सपोज दिस इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज एन आर्क. आर्क कोई भी हो सकती. 3 टाइप्स ऑफ आर्क्स आर देयर, माइनर, मेजर एंड सेमी सर्कल. मान लो चलो मैंने माइनर का एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. तो पी क्यू माइनर आर्क है. This angle POQ is subtended by this arc PQ at the center of a circle, and this angle PRQ, this angle is subtended by same arc on the remaining part of the circle. हाँ, सृष्टि को remaining part में doubt था. remaining part का मतलब ये है. सृष्टि, are you present? Yes ma'am.
हाँ ध्यान से देखना रिमेनिंग का मतलब क्या है। रिमेनिंग का मीनिंग ये कि जो आपका पीओ क्यू है, पहले इस एंगल के आर्म्स चेक करो, एनी एंगल इज सबटेंडेड बाय टू आर्म्स। अब इस एंगल के कौन कौन से दो आर्म है, इसको एक्सटेंड करो, देखो ये फर्स्ट आर्म पहुंच गया पी में, ओ पी, सेकेंड आर्म इसको तब तक एक्सटेंड करो जब तक सर्कल में ना पहुंच जाए, बाउंड्री में। अब पी और क्यू के बीच का पार्ट, ये वाला पार्ट जिधर ये आर्क है, आर्क के साइड वाला लेना है, पी और क्यू, पी और क्यू के बीच में तो ऊपर वाला भी गैप है, लेकिन ये गैप हमने इसलिए क्योंकि जो एंगल बना है, एंगल किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, कि जो ग्रीन वाला पार्ट है इस आर्क से ये एंगल बन रहा है। अब रिमेनिंग पार्ट कहलाएगा अदर देन दिस पार्ट, ये वाला पार्ट क्रॉस कर दो, इसको छोड़ के, ग्रीन को छोड़ के जो पूरा पिंक वाला पार्ट है ये है रिमेनिंग पार्ट, यानी आर्क क्यू पी, ऐसा समझो पी क्यू के लिए रिमेनिंग पार्ट है क्यू पी। क्लियर? Yes, ठीक है। हाँ तो एक इस थ्योरम को आज प्रूफ करेंगे। अब कोई भी थ्योरम प्रूफ करना हो, ध्यान से सुनो, तो आपको दो तीन चीजें जो लिखना ही लिखना है, ध्यान से सुनो। नंबर वन गिवन, हर थ्योरम में गिवन लिखते हैं, इनके भी मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं टू प्रूव, नेक्स्ट हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, और लास्ट में होता है प्रूफ। पहली बात तो ये ध्यान रखना, हमेशा जब भी थ्योरम प्रूफ करेंगे कंस्ट्रक्शन यदि होगा तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन कैंसिल भी हो सकता है, बट गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ हर थ्योरम में होगा। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या क्या लिखना है? Yes, आप ध्यान से सुनो, आप गिवन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका फिगर आप सोच लो, आपका फिगर थ्री टाइप्स के फिगर बनेंगे, इसमें थ्री सर्कल्स बनेंगे। क्यों थ्री सर्कल्स बने, क्योंकि थ्री टाइप्स के आर्क्स होते हैं। तो चलो मैं यहाँ बना रही हूँ फिलहाल, एक मैंने ये बना दिया नंबर वन, नंबर टू जो है ये ले लिया, चलो सॉरी सेम कलर आ गया, कोई बात नहीं, नंबर थ्री ये ले लिया, ये थ्री सर्कल्स हो गए टोटल। तो थ्री सर्कल्स माने एक लेंगे माइनर आर्क, एक लेंगे सेमी सर्कल, एक लेंगे मेजर आर्क। देखते जाना ध्यान से कैसे लेबल कर रही हूँ फिगर को। आप इसकी जब लेबलिंग करेंगे तो लेबलिंग आपकी ऐसे कर रही हूँ मैं, सेंटर ओ, ओ यहाँ भी सेंटर ओ, यहाँ भी सेंटर ओ, सेम नेमिंग ले रहे हैं। फिर यहाँ पे ले लिया मैंने पी क्यू सेमी सर्कल, यहाँ जस्ट ओ के सामने, ये देखते हैं ओ के जस्ट सामने, ओ को क्रॉस मत करना, अलग से लिख लेना, पी क्यू सेमी सर्कल, वो अलग से लिख देना, यहाँ पे वो लिख दिया। चलो यहाँ मेजर आर्क लेना, यानी कि सेमी सर्कल से जस्ट ऊपर ले लो पी, यहाँ पर क्यू, तो ये है आपका पी क्यू माइनर आर्क, पी क्यू ये वाला हो गया मेजर आर्क, और ये पी क्यू हो गया सेमी सर्कल, ये थ्री टाइप्स के आर्क हैं। तो गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में आप लोग लिखोगे, अच्छा लिखते जाओ मैं बोलती जा रही, जल्दी लिख लो, लिखो अ सर्कल, अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ, यानी अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड एन आर्क पी क्यू, एंड एन आर्क पी क्यू, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद एक चीज और लिख लो, ध्यान से एक चीज और लिखना आपको, आर यहाँ पे एक पॉइंट लेना है, आर मैंने आर ले लिया, आप एस ले लो, क्यू ले लो, जो मर्जी ले लो, यहाँ भी ले लिया आर, चलो यहाँ भी ले लिया मैंने आर। अब आपको क्या क्वेश्चन में प्रूफ करना, ध्यान से देखो, इससे एक एंगल बनाना है सेंटर पे, तो कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल पी, बहुत आराम आराम से समझा रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एंगल पी ओ क्यू, और एक एंगल बनेगा, सबका बना दूं पहले, यहाँ पे बनेगा पी ओ क्यू ये वाला एंगल, यहाँ पे पी ओ क्यू बनेगा आपका ये वाला एंगल, कि पी ओ क्यू बन गया, यानी तीनों आर्क से सेंटर पे बन रहा पी ओ क्यू पी ओ क्यू पी ओ क्यू। अब इसका कलर चेंज करके दूसरा एंगल चलो बनाते हैं, दूसरा एंगल बनेगा आपका एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू पी आर क्यू P
पी आर क्यू, ये क्यू है ठीक है। तो गिवन में क्या लिखोगे, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड एन आर्क पी क्यू ऑल्सो अ पॉइंट आर ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ऐसा लिख दो, ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल दैट इज, आप चाहो तो लिख दैट इज ऑन आर्क क्यू पी, आपकी मर्जी, दैट इज ऑन आर्क, छोड़ो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल चलेगा बस खत्म। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, प्रूव में लिखना, इसको लिख देना केस वन, ये है केस वन, ये है केस टू एंड दिस इज केस थ्री, थर्ड केस, तीन केसेस है। केस वन क्या है, यहाँ नीचे लिख दो व्हेन पी क्यू इज अ माइनर आर्क, व्हेन भी हटा दो, पी क्यू इज अ माइनर आर्क लिख दो, पी क्यू इज अ माइनर आर्क। केस टू, पी क्यू इज अ सेमी सर्कल। केस थ्री, पी क्यू इज अ मेजर आर्क। तीनों केस समझ रहे, फिगर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले ये बताओ सब लोग, जल्दी बोलो फटाफट। ठीक है, ये फर्स्ट केस में माइनर आर्क, सेकंड केस में सेमी सर्कल, थर्ड केस में मेजर आर्क। तो तीनों केसेस के लिए जो सेंट्रल वाला एंगल होगा वो रिमेनिंग वाले एंगल से क्या होगा, डबल, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो टू प्रूव में क्या लिखोगे, यहाँ टू प्रूव में लिख देना फॉर केस वन एंड टू, केस वन और केस टू के लिए क्या प्रूफ करना, ध्यान से देखना, इस एंगल को क्या रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, इसको रीड करेंगे पी ओ क्यू, इसको रीड करेंगे पी ओ क्यू, इस एंगल को क्या रीड करेंगे, कौन बताएगा, हाउ विल रिफ्लेक्स ऑफ द रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू, बिल्कुल, ये जब भी 180 से ग्रेटर होगा रिफ्लेक्स वर्ड यूज करना है, इसीलिए मैंने फॉर केस वन एंड टू सिर्फ लिखा है अभी, क्योंकि केस वन एंड टू के लिए इसको पीओक्यू रीड करेंगे, तो पीओक्यू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल, ये एंगल इसका डबल, ये वाला एंगल इस एंगल का डबल केस वन और टू के लिए। आगे लिख दो कंस्ट्रक्शन, रुको हटा दो पहले भी, स्पेस नहीं है। और यहां नीचे लिखेंगे फॉर केस थर्ड, थर्ड केस के लिए इसको क्या रीड करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल पीओ क्यू, इसको आप उसमें देखना क्या बोलते हैं, आरडी शर्मा में दो तीन पेज में सॉल्व किया है, बिल्कुल मत करने, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या किया, इस केस के लिए अलग से सॉल्व किया, इस केस के लिए अलग से सॉल्व किया, थर्ड के लिए अलग से सॉल्व किया, इसमें जो पार्ट कॉमन उसको हम कॉमन लिखेंगे, इसीलिए आरडी शर्मा से बिल्कुल मत देखना। तो फॉर केस थर्ड इस एंगल को क्या रीड करेंगे, रिफ्लेक्स पीओ क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू, ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू, ये हो गया हमारा गिवन, ये हो गया हमारा टू प्रूव। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करना ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, आर ओ को ज्वाइन करना, ध्यान से देखना, आर ओ को ज्वाइन किया और एक्सटेंड कर दिया यहां तक, इस तरह से कि सर्कल में कहीं ना कहीं मीट करेगा, इसको ले लिया मैंने चलो एस, एस पॉइंट, यहां भी ज्वाइन आर ओ एंड एक्सटेंड इट टिल एस, ज्वाइन आर ओ एक्सटेंड, ये देखना ओ से पास हो, सॉरी थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, ओ से पास होना चाहिए, एंड एक्सटेंड इट टिल एस, सबकी नेमिंग सेम रखना ताकि आपके स्टेप्स कम हो जाए। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ज्वाइन आर ओ एंड एक्सटेंड इट टिल, लिख लिया टिल पॉइंट एस, ब्रैकेट लिख देना ऑन द सर्कल, सर्कल पे लेना है इसको, ऑन द सर्कल, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आ जाओ प्रूफ पे, प्रूफ में क्या लिखेंगे, अब अच्छे से समझना प्रूफ में, अब हम इसकी नेमिंग कुछ कर देते हैं ताकि आपके स्टेप्स कम हो जाएं। कैसे नेमिंग, इस एंगल को मैंने ले लिया एंगल वन, देखते जाना ध्यान से, आर के टू पार्ट सबको दिख रहे होंगे, इसको वन ले लिया, इसको टू ले लिया, यहाँ भी आर के फर्स्ट पार्ट को वन, सेकेंड पार्ट को टू, यहाँ भी आर के फर्स्ट पार्ट को वन, सेकेंड पार्ट को टू। अब ओ में आ जाओ, क्योंकि हमें आर और ओ के बीच में रिलेशन चाहिए, आर के दो पार्ट सबको दिख रहे होंगे, फर्स्ट पार्ट को थ्री ले लिया, सेकंड पार्ट को फोर ले, आप चाहो तो पीओएस भी लिख सकते हैं,
बट पीओएस और एंगल थ्री लिखने में थ्री में कम टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने थ्री या फोर लिया। इसको भी ले लो एंगल थ्री, इसको ले लो एंगल फोर, इसको ले लो एंगल थ्री, इसको ले लो एंगल फोर। सबको समझ में आ गया, जल्दी बोलो, क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, अब हम ट्रायंगल क्या लेंगे, ओ आर पी, इसको मैं शेड करूं, ध्यान से देखना, ओ आर पी ट्रायंगल, इसको अलग से बना के दिखा रही हूँ सबको। ये मैंने ले लिया, आप लोग अलग से मत बनाना, मैं तो जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। ये कुछ ऐसे इस टाइप का है, दिस पॉइंट इज आर, दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज पी, ये वाला ओ आर पी उतना करेक्ट नहीं बना क्योंकि दोनों आर, चलो यहाँ ले लेती हूँ आर, और ये ऐसा कुछ ले लिया। ओके, ओ आर ओ पी, क्या ओ आर ओ पी के बारे में कुछ मालूम है? ओ आर एंड ओ पी, रेडियस, इसका मतलब ओ आर एंड ओ पी बोथ आर इक्वल। अब किसी भी ट्रायंगल में टू एंगल्स आर इक्वल, देन ये वाला एंगल, इसको मैंने वन नेम दे रखा है, ओ आर के अपोजिट में ये वाला एंगल होगा, इसको भी कोई नेम दे देते हैं, चलो अच्छा इसको नेम मैंने दिया नहीं, सॉरी, इसको दे देते हैं, चलो चलो एंगल फाइव ले लेते हैं, फाइव। ठीक है, तो एंगल थ्री, अब एक चीज और बताओ मुझे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल में? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम इज अपोजिट टू एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल बनाते कैसे उसकी ट्रिक फिर से समझा रही हूँ। सिंपल ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं, किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दो, मान लो मैंने इसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंडेड साइड और इसी से एडजेसेंट जुड़ी हुई ओरिजिनल साइड, दोनों के बीच का गैप, यानी एंगल का आर्क एक साइड टच करेगा एक्सटेंडेड को, एक साइड टच करेगा ओरिजिनल को। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाओ, ओ आर को एक्सटेंड कर दिया, ध्यान से देखना, तो ये हो गई एक्सटेंडेड साइड, एक्सटेंडेड, और यहीं से ओरिजिनल ओ पी है, दोनों के बीच का गैप, ये एक्सटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। yes, ma'am. Yes, ma'am. एंगल ओ आर पी में एंगल थ्री हो गया एक्सटीरियर एंगल, करेक्ट है, थ्री एक्सटीरियर। सिमिलरली इसमें देख लो, ओ आर पी एंगल थ्री एक्सटीरियर, ओ आर पी एंगल थ्री एक्सटीरियर, तीनों ही केसेस में एंगल थ्री एंगल थ्री एंगल थ्री विल बी एन एक्सटीरियर एंगल। अब इस एंगल को मैंने पी वाले को फाइव सपोज किया, यहाँ भी पी को फाइव लिख लो, यहाँ भी P को 5 लिख लो, नेमिंग सेम रखना, यदि आपने नेमिंग चेंज किया तो आपके स्टेप्स बहुत बढ़ जाएंगे क्योंकि आपको तीनों केसेस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि नेमिंग सेम रखना। ऐसा कोई रूल नहीं कि नेमिंग सेम ही रखते हैं, ऐसा बिल्कुल कोई रूल नहीं है, आप डिफरेंट भी कर सकते, लेकिन डिफरेंट लोगे तो केस वन के लिए अलग से, केस टू अलग, केस थ्री अलग, और दो तीन पेज में जाएगा, फालतू का टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैंने कहा था नेमिंग को सेम रखना। चलो अब क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ में क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले स्टार्टिंग ले देना, फॉर केसेस वन टू एंड थ्री, कुल मिला के जो भी लिख रहे तीनों केस के लिए लिख रहे हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, ट्रायंगल ओ आर पी, ओ आर पी, ओ आर पी, तीनों में ओ आर पी है, तो इन ट्रायंगल O R P, ठीक है, एंगल थ्री इक्वल्स टू, अब एंगल थ्री चेक कर लो, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू एंगल वन प्लस एंगल फाइव, ये वन है ये टू है, वन प्लस फाइव, तो एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल वन प्लस एंगल फाइव, ब्रैकेट में पूरी प्रॉपर्टी लिख दे, वी नो दैट जो है प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, दिस इम्प्लाइज, ध्यान से देखना, एंगल थ्री इक्वल्स टू, अब आप ये वन एंड फाइव दोनों इक्वल है कि नहीं है, इक्वल होंगे क्योंकि दो साइड से इक्वल है। अब आप बताओ रिजल्ट में आपको वन से मतलब है कि फाइव से मतलब, जो रिजल्ट चाहिए आपको, वन से, क्योंकि हमें आर से मतलब है, आर और एंगल वन जो आर का एक पार्ट है, तो आपको फाइव से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब यदि वन और फाइव इक्वल है, इन प्लेस ऑफ फाइव यू कैन पुट एंगल वन,
तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एंगल वन को तो वन रहने देंगे और एंगल फाइव को भी वन लिख देंगे। इसका लॉजिक क्या देंगे, ब्रैकेट में यहां लिखेंगे सिंस ओपी इक्वल्स टू ओ आर देयरफॉर एंगल वन इक्वल्स टू एंगल फाइव। समझ आगे क्या लिखा ये, क्लियर? ठीक है, हाँ, ये वन और फाइव इक्वल हो गए, तो दिस इंप्लाइज एंगल थ्री, वन प्लस वन हो गया टू एंगल वन, तो एंगल थ्री इक्वल्स टू टू एंगल वन, इक्वेशन नंबर वन। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये तीनों केसेस के लिए। अब दूसरा ट्राइंगल लो, ओ आर क्यू, ये ट्राइंगल है ओ आर क्यू, राइट साइड वाला, सब में राइट साइड, रुको इसको शेड कर देती हूँ, दिस ब्लैक वन, ये वाला ओ आर क्यू, यहाँ भी ओ आर क्यू, यहाँ भी ओ आर क्यू। तो नेक्स्ट लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ आर क्यू, इन ट्राइंगल ओ आर क्यू। अब ओ आर क्यू में देखो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल फोर, एंगल फोर, एंगल फोर। तो एंगल फोर किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल फोर इक्वल्स टू, चेक करो कौन से दो इंटीरियर अपोजिट है, एक तो ये वाला एंगल है, इसको क्या नेम दे दो, चलो सिक्स दे दो, इसको सिक्स ले लेते हैं, चलो रुको मैं इस कलर से लिख देती हूँ, इसको ले लेते हैं एंगल सिक्स, दिस वन इज एंगल सिक्स, और ये एंगल कौन सा है टू। यहाँ पर भी देख लेते हैं एंगल फोर ये है, ये तो एंगल टू था, इसको ले लो सिक्स, ये एंगल फोर, इसको टू ले लो और इसको सिक्स ले लो, सम इस नेम से सेम लेना नेम, तो एंगल टू प्लस एंगल सिक्स, तो एंगल टू प्लस एंगल सिक्स, सेम रीजन देना वही जो ऊपर लिखा था, दिस इम्प्लाइज एंगल फोर इक्वल्स टू, आपको किससे मतलब है, फिगर देखो टू से मतलब है कि सिक्स से, टू क्योंकि आर का एक पार्ट है टू। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, कलर चेंज करो, बहुत लाइट कलर है, तो हाँ तो एंगल टू प्लस एंगल टू लिख देना भाई, सेम जो मैंने यहाँ बताया था ये वाला, सेम लॉजिक लिखना, तो एंगल फोर इक्वल हो गया टू एंगल टू, इक्वेशन नंबर टू। अब आप ध्यान से देखना, थ्री और फोर को जरा ऐड करो, एंगल थ्री एंगल फोर ऐड कर देंगे तो यहाँ मिल जाएगा पीओ क्यू, यहाँ थ्री और फोर ऐड करेंगे तो मिल जाएगा एंगल पीओ क्यू, यहाँ थ्री और फोर को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा रिफ्लेक्स पीओ क्यू, मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, या सिंपल लिख देना बाई एडिंग वन एंड टू, बाई एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, देख इसका एलएचएस, एलएचएस से ऐड हो जाएगा, आरएचएस, आरएचएस से ऐड हो जाएगा, आरएचएस टू एंगल वन, यहाँ टू एंगल टू, तो दिस इक्वल्स टू टू एंगल वन प्लस टू एंगल टू, ये लिख दिया, दिस इंप्लाइज एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, इसको टू लिखा, ब्रैकेट में लिख दिया एंगल वन प्लस एंगल टू, मैंने ये कॉमन ले लिया, टू कॉमन ले लिया। अब आगे ध्यान से देखना, अब लिख देना फॉर केसेस थ्री प्लस फोर, फॉर केसेस वन एंड टू, दोनों केसेस, सिर्फ वन और टू के लिए लिख रही हूं मैं फिलहाल, थ्री और फोर दोनों को प्लस करो, देखो थ्री फोर प्लस किया क्या बन गया, थ्री प्लस फोर पी ओ क्यू, थ्री फोर प्लस करो पी ओ क्यू, तो थ्री प्लस फोर की जगह लिख देंगे फॉर केसेस दिस एंड दिस, एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल वन प्लस एंगल टू, देखो प्लस करके देखो क्या मिलेगा, वन प्लस टू विल बी पी आर क्यू, वन प्लस टू पी आर क्यू, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर, ये हो गया आपका वन और टू केस के लिए, ठीक है। इसको देना थर्ड थ्री, ये हमें थ्री से मिला है, आप थर्ड केस के लिए देखो, तो नेक्स्ट लिखोगे फॉर केस थर्ड, थर्ड केस के लिए, अब थर्ड केस के लिए थ्री और फोर को जरा प्लस करो, थ्री फोर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स पीओ क्यू, कुछ नहीं करना सिर्फ पीओ क्यू की जगह लिख देंगे रिफ्लेक्स पीओ क्यू, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू, ये सेम रहेगा पी आर क्यू, कहां से मिला, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, ये रिजल्ट हमें मिला थर्ड इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से,
इसको प्लस किया तो ये मिल गया, इसको प्लस किया तो ये मिल गया। बस आपका प्रूफ देखो एक पेज में प्रूफ हो जाएगा, बहुत होगा तो 1.5 पेज, खत्म आपका रिजल्ट आ गया। देख लिया सबने? यस मैम। यस मैम। आप इसको पूरा आप लोग कॉपी करना बिल्कुल ये प्रूफ, क्योंकि 2 ही 3 थ्योरम इज बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से एक थ्योरम ये भी है, इसको बहुत अच्छे से कॉपी कर लो सब लोग और इसको समझ जाओ कैसे सॉल्व करना। 3 फिगर्स बनाएंगे, एक बार माइनर, एक बार मेजर, एक बार सेमी सर्कल, और जितना कॉमन पार्ट है 1, 2, 3 के लिए दोनों इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, दोनों तीनों केसेस के लिए यहाँ तक कॉमन है। फिर जब ऐड करेंगे लेफ्ट लेफ्ट को तो 1 और 2 अलग से कर देंगे, थर्ड केस के लिए रिजल्ट अलग से आ जाए। ये आपका प्रूफ आ गया, इसको नोट कर लेना और देख लेना, ठीक है। अब उसका प्रूफ एक सेकंड और देख लो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, बताया थी स्टेटमेंट आपको मीनिंग। सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, क्या मतलब समझाते इसका मैंने, ये सर्कल है, एक मान लो एंगल ये बना है, इसी आर्क से बना है, और इसी आर्क से, आर्क चेंज नहीं कर सकते आप, यहीं से सेम आर्क से, आर्क नहीं मैंने पी क्यू दे दिया, पी और क्यू, इसी से मैंने एक एंगल ये बनाया, ये पी आर क्यू, ये पी एस क्यू, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर सबटेंडेड बाई सेम आर्क पी क्यू, या तो सेम आर्क कहो या कहो कि दीज टू एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट, यदि सेम आर्क से बनेंगे तो सेम सेगमेंट में होंगे। आर एस एन में क्लियर? अब इसका प्रूफ देखो कैसे करोगे, इसका प्रूफ आप देख लेना कहीं भी मिल जाएगा, बहुत ईजी, सिर्फ मैं इसका मीनिंग समझा देती हूँ शॉर्ट में, स्टेप्स आप देखते रहना। यहाँ एक सेंटर लिया, सेंटर ले लिया ओ, अब पी ओ क्यू एक एंगल देखो, पी ओ क्यू एंगल इज सबटेंडेड बाई आर्क पी क्यू एट द सेंटर ऑफ सर्कल, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, पी ओ क्यू किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस क्यू, करेक्ट, जल्दी बोलो यस और नो। इक्वेशन नंबर 1, अब अगेन पी ओ क्यू इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू, इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इसका भी डबल है, ये वाला एंगल इसका भी डबल है, फ्रॉम 1 एंड 2, किसी भी इक्वेशन में यदि एक साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाती है, एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल हो जाता है, फ्रॉम 1 एंड 2 ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू, 2 और 2 हो गया कैंसिल, एंगल पी एस क्यू इक्वल हो गया पी आर क्यू के, रिजल्ट आ गया पी एस क्यू पी आर क्यू, सिंपल, हमने जो ऊपर वाली थ्योरम इसका यूज करके कर लिया, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी थ्योरम है, एंगल्स, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, उसका प्रूफ देख लो ध्यान से फटाफट। सेमी सर्कल मतलब आपको डायमीटर बनाना है, ए बी मैंने डायमीटर ले लिया, सेंटर हो गया, एक एंगल मैंने ये बनाया, ये एंगल ए सी बी, ए सी बी ये वाला एंगल, अब ध्यान से देखना, ये जो एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी किस आर्क से बना, ए बी आर्क से एट द सेंटर, ये किसका ट्वाइस होगा, ट्वाइस ऑफ ए सी बी होगा, एंगल जो सेंटर पे बनेगा वो रिमेनिंग पार्ट का डबल होता है, जो हमने ये थ्योरम ऊपर किया था वही सेम। अब ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ ए सी बी, 2 डिवाइड कर देंगे, ए सी बी कितना आ गया 90 डिग्री, सिंपल 3 स्टेप में हो गया, क्लियर, ठीक है। Yes, अब आ गया आपका नेक्स्ट थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो फर्स्ट थ्योरम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन वाली, क्या है मेन, सपोज एक सर्कल, 4 वर्टाइसेस ले लिया मैंने, 1, 2, 3, 4, तो ये बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्या मेन थ्योरम थी, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू डैश, फिल करो, 180 डिग्री,
लेटर्स, यानी आप इसमें गिवन में क्या लिखोगे, प्रूफ गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे, बोलती जा रही हूँ लिखोगे आप खुद ही, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बस ये गिवन है कुछ नहीं। टू प्रूव में क्या लिखोगे, नंबर वन एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, नंबर टू एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री, ये हो गया आपको दो चीजें प्रूफ करना, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करना, ध्यान से देखना कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमें दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन करना, रुको कलर चेंज करो, मैंने ए सी ज्वाइन कर दिया और दूसरा जो है बी डी ज्वाइन कर दिया, तो कंस्ट्रक्शन में लिख देना ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। प्रूफ, अब प्रूफ में देखना ध्यान से, सबसे पहले हम एक अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लो, हम दो एडजेसेंट साइड पहले आप चूज कर लो, आपकी मर्जी, ए बी बी सी ले लो या ए बी ए डी ले लो या ए डी डी सी ले लो या डी सी बी सी ले लो, चलो मैं ए बी और बी सी ले रही हूँ, ध्यान से देखते जाना। अब ए बी जो मैंने साइड लिया, ए बी साइड कॉर्ड, जो कॉर्ड है आपका ए बी कॉर्ड सर्कल के लिए कॉर्ड है, एम आई ऑडिबल बेटा, ए बी इज अ कॉर्ड फॉर दिस सर्कल बट ए बी इज अ साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, तो ये जो ए बी कॉर्ड है इससे जो आपका एंगल बन रहा है, या समझ लो कि जब ए बी कॉर्ड लेंगे तो करस्पॉन्डिंग आर्क है ए बी, दिस करस्पॉन्डिंग आर्क, इससे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए डी बी बन रहा है, एंगल ए डी बी, देखो ध्यान से, देखो ए बी से ए बी एक हाँ ये जा रहा है इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड डी तक गया, बी गया इस साइड तक गया, तो इसको दे दिया मैंने एंगल वन। अब इसी ए बी से कोई दूसरा एंगल बन रहा है क्या, देखो ए सी बी, इसको मैंने ले लिया एंगल टू, तो एंगल वन और एंगल टू दोनों इक्वल हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक इतना क्लियर हुआ। हाँ अब मैंने आपको एक हिंट दिया, हिंट ये दिया कि आपको दो एडजेसेंट कॉर्ड्स लेना है, दो एडजेसेंट साइड्स चूज कर लो, चाहे ए बी बी सी या ए बी ए डी, ए डी डी सी, डी सी बी सी, जो आपको चूज करना हो। मैंने ए बी और बी सी चूज किया है, अभी मैंने ए बी से दो एंगल्स बना लिया वन और टू, ए बी का मतलब है ये कॉर्ड, ये आर्क से, चाहे कॉर्ड की बात कहें चाहे आर्क की बात करें एक ही बात है। अब आ जाओ बी सी, अब बी सी से कौन से दो एंगल, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, बी सी कॉर्ड या बी सी आर्क, इससे कौन से दो एंगल्स बन रहे हैं, रुको नेम पहले चेक कर लो किसको बताओ किसका नेम लिया जाए, हाँ साफिया प्रखर किंजल सृष्टि दामिनी आयुषी, चलो पुष्कर, चलो बेटा पुष्कर अनम्यूट, यस मैम, बोलो बेटा बीसी से कौन से दो एंगल्स बन रहे हैं जल्दी बोलो, आर्क बीसी, मैम बीसी से यस एंगल ए डी ए बी डी, बी सी है बेटा तो डी कहां से आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, बी सी से बनना चाहिए, तो बी सी से बन रहा तो बी सी वर्ड तो आएगा, एक बी सी अल्फाबेट्स तो आएंगे, एंगल डी बी सी, डी बी सी का मतलब समझ रहे हो क्या, डी बी सी यानी बी वर्टेक्स पे बन रहा है, डी बी सी, बी सी से बनना चाहिए मतलब बी सी से स्टार्ट होगा तो बी और सी में तो बनेगा ही नहीं, वो जो आर्क बनाता है एंगल तो वर्टेक्स को रीड करते हैं हमेशा, ये मान लो ये बी सी है, ये ए है, तो रीड करेंगे एंगल बी ए सी, तो दिस बी ए सी सबटेंडेड बाय आर्क बी सी, तो बी सी वर्टेक्स नहीं होता एंगल का, जो बनाता है वो वर्टेक्स कभी नहीं बनता, वो साइड, तूने अभी तक क्या समझा पुष्कर, कौन बताएगा जल्दी बोलो, हमें बी से ले जाना, सीधी सी बात है, बी से देखो ना कितनी साइड जा, बी से कितनी लाइन जा रही है, एक लाइन इस साइड जा रही दिख रहा है क्लियर, ये दिख रहा है एक, एक यहाँ जा रही है, एक बी सी की तरफ जा रही है और ए की तरफ जा रही है, इस बी से तीन लाइन जा रही है, नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री, ये तो जाके साइड को बना रही है, बच्चे ये दोनों, अब इन दोनों में एक ये ले गए और एक सी से ले गए तो बन गया बी डी सी,
इस एंगल को मैंने दे दिया 3। अब दूसरा कौन सा जा रहा है यहाँ से, बी ए सी, इसको दे दिया एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। समझ में आया 3 और 4 क्यों लिखा मैंने इक्वल, जल्दी देखो सब लोग, ठीक है? यस, या इसको दो लॉजिक दे सकते हो, या तो लिखोगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट या लिखोगे एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क, आपकी मर्जी क्या लिखते हो। इसका कलर में चेंज कर, इसको 3 कर दिया, इसको 4। जो ब्लैक कलर के हैं, ब्लैक ब्लैक दोनों इक्वल हैं और रेड रेड एक दूसरे के इक्वल है। ब्लैक वाले किससे बन रहे, ये बन रहे आर्क बी सी, सबटेंडेड बाई आर्क बी सी, और 1 और 2 किससे सबटेंड हो रही है, सबटेंडेड बाई आर्क ए बी। लेकिन आप ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखोगे, आप पूरा सेंटेंस लिखोगे, एंगल सबटेंडेड बाई सेम आर्क ए बी, एंगल सबटेंडेड बाई सेम आर्क बी सी। अब आप देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, 4 और 2 किसी एक ट्रायंगल के पार्ट्स दिख रहे हैं क्या, कि 4 और 2 किसी एक सिंगल ट्रायंगल के दो एंगल्स हो, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? ट्रायंगल एबीसी, यस। तो अब हम क्या करेंगे, एबीसी ट्रायंगल ले लेंगे। तो इन ट्रायंगल एबीसी फर्स्ट एंगल है 2 प्लस सेकंड एंगल है 4 प्लस थर्ड एंगल है बी, तीनों का सम हो जाएगा 180। आप देखना 2 किसके इक्वल है, 1 के, तो 2 की जगह क्या लिख देंगे, 1। 4 किसके इक्वल है, 4 इक्वल है 3 के, तो इसकी जगह 3 लिख देंगे, प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। 1 प्लस 3 क्या मिल रहा है, जैसे देखो क्या है 1 प्लस 3, ब्रैकेट लगा दो, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी डी प्लस बी 180 डिग्री। आपने एक पार्ट प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करोगे, वी नो दैट सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होता है 360, बी प्लस डी 180 है, तो बी और डी की जगह 180 पुट कर देंगे, तो दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल सी लिख दो और बी और डी की जगह 180 कर दो इक्वल्स टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन दे देना, सिंस बी प्लस डी इज 180, ये 180 इधर जाएगा तो 180 बन जाएगा, तो ए प्लस सी भी कितना आ गया 180 डिग्री। आगे समझ में सबको, ठीक है, हो गई आपकी सेकेंड थ्योरम। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो नेक्स्ट थ्योरम है उसको शॉर्ट में देख लो, तो बहुत ईजी है। इसका कन्वर्स आप खुद एक बार ट्राई करना। कन्वर्स का मतलब क्या है, कि यदि अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, ये प्लस ये 180, ये प्लस ये 180, देन दिस विल बी साइक्लिक। इसको देखना समझ में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम बताऊं, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है वो, उसमें टाइम लग जाएगा। दूसरा जो है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थर्ड थ्योरम, वो एक्सटीरियर एंगल वाली। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या, जल्दी बोलो, ये इक्वल होगा एंगल डी के। तो आप कोई भी एक फिगर बनाना, चाहे बी पे बना लो चाहे सी पे, चारों बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने ये बना लिया। चलो हमें क्या प्रूफ करना, इसको एक्स ले लिया, एंगल सी बी एक्स इक्वल्स टू एंगल डी, ये प्रूफ करना, ये तो बहुत ईजी है, नहीं भी बताएंगे तो भी कर लोगे। खैर बता भी देती हूँ, इस एंगल को 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल, जल्दी बोलो, 1 प्लस 2 180 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है, 2 प्लस 3 180 डिग्री। अभी जस्ट अभी हमने प्रूफ किया ये, अब दोनों का एक साइड इक्वल, तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 इक्वल हो गया 2 प्लस 3, LHS इक्वल, 2 2 कैंसिल, 1 किसके इक्वल हो गया 3 के, 1 क्या है CBX और 3 क्या है एंगल D, प्रूफ हो गया, सिंपल है, ठीक है। yes, कुल मिला के आज कितनी थ्योरम्स हमने प्रूफ किया, 5 थ्योरम्स प्रूफ हो गई। एक वो डबल वाली जो डबल बनती है, एक सेम सेगमेंट, एक सेमी सर्कल में, एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दूसरी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो टोटल 5 थ्योरम्स प्रूफ हो गई। इन 5 का पूरा प्रूफ गिवन जो है सब कुछ होमवर्क कॉपी में लिख लेना, टेस्ट में एक थ्योरम जरूर आएगी, या हो सकता है क्लास प्रेजेंटेशन में भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो टाइम हो गया।
चलो ओके बेटा लीव वन बाय वन. थैंक यू मैम सायरा मैम बेटा थ्योरम कंप्लीट कर लेना. यस मैम.